हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आज मॉर्निंग में वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि दिवाली आ चुकी है और घर की साफ़ सफाई, रूम की साफ़ सफाई, बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो इस वजह से मॉर्निंग में वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी रेगुलर हूँ तो रेगुलर वीडियो आपको दूंगा, और जो भी आपका इशू रहता है उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग भी टेक्नो गुरुदेव चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन वो अगर आप नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत का फल हमको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें कि पूछा गया है कि सर, हम अपने यूट्यूब चैनल पर पहले किसी और का कंटेंट डालते थे, लेकिन अब जो है हम अपना खुद का कंटेंट डालते हैं, तो क्या हमारा चैनल मोनिटाइज होगा कि नहीं? दोस्तों, ऐसा काम बहुत लोग करते हैं। बहुत लोग स्टार्टिंग में चैनल को बनाते हैं लेकिन यूट्यूब चैनल को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं। वो किसी का वीडियो उठाते हैं और अपने चैनल पर डाल देते हैं, और धीरे धीरे अगर उनका जो है वीडियो वायरल हो जाता है तो उनके चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग करते क्या है कि अपना भी वीडियो उसमें डालने लगते हैं और वो सोचते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जल्दी से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अच्छे से समझते हैं इसको। दोस्तों, होता क्या है कि हम जो है यूट्यूब पर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि शॉर्टकट अपना कर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे किसी तरह कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद जो है चैनल मोनेटाइज करवा लिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, हम करते क्या है कि जो लोग पहले से ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो डाले रहते हैं उसी को उठाते हैं, अपने चैनल पर डाल देते हैं। अब दोस्तों, लग भाई जो है हमारा वो वीडियो चलने लगता है, वायरल होने लगता है, तो उसी से जो है सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो जाते हैं, और हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब तो हमारे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट हो गए हैं, अब हमें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और हम जैसे ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप डन हो जाता है, लेकिन थर्ड स्टेप में हमारा चैनल जो है चेक होता है टीम यूट्यूब के थ्रू, और वहाँ पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है और हमको 1 महीने का समय दिया जाता है। और वहाँ पर यूट्यूब हमसे बोलता है कि जो भी आपका कंटेंट है, आपने किसी और का कंटेंट डाला है, तो उसमें आपको एडिटिंग करना होगा, वॉइस ओवर करना होगा, मिक्सिंग करना होगा और अपना कंटेंट उसमें शामिल करना होगा, तभी जो है आपका चैनल अगेन मोनेटाइज हो पाएगा। तो दोस्तों, हमको 1 महीने का समय मिलता है, और उस बीच में जो है हम करते क्या है कि हम जो है उस वीडियो को तो रहने देते हैं जो पहले की रहती है, और अपना जो है वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि 1 महीने के बाद हम फिर से रीअप्लाई करेंगे। और ऐसे में जैसे हम फिर से जो है 1 महीने के बाद अपनी वीडियो डालने के बाद रीअप्लाई करते हैं, फिर से जो है हमारा थर्ड स्टेप में चेक होता है चैनल, और वहाँ पर फिर से रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। अब यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक बार तो हमारा चैनल रिजेक्ट हुआ था रीयूज्ड कंटेंट की वजह से, लेकिन दोबारा से हमारा चैनल रीयूज्ड कंटेंट की वजह से क्यों रिजेक्ट हुआ? तो वहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो पहले की वीडियो थी, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या उसमें से जो भी उसका आवाज़ रहेगा उसको नहीं हटाएंगे, तब तक जो है आपका रीयूज्ड कंटेंट आता रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जो करते क्या है कि सोचते हैं कि उस वीडियो को अगर हम डिलीट करेंगे तो उससे जो वॉच टाइम आया रहेगा वो हट जाएगा। तो ये सच है कि जब उस वीडियो को आप डिलीट करेंगे, पहले की जो किसी और की डाले हैं उसको अगर आप हटाएंगे तो आपका वॉच टाइम घट जाएगा। इसी की वजह से जो है वो लोग हटाते नहीं हैं और अपनी वीडियो डालते रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपने अगर किसी और के चैनल से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है तो उस वीडियो को आपको डिलीट करना ही पड़ेगा, तभी जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। अब दोस्तों, आपको ऐसे में करना क्या चाहिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप किसी और का कंटेंट अपलोड करते हैं अपने चैनल पर और उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो रीयूज्ड कंटेंट आता है। और दोस्तों, उस पर जब आप अपना वीडियो डालने लगते हैं और उसके बाद जैसे अप्लाई करेंगे फिर रीयूज्ड कंटेंट आएगा। अब दोस्तों, इसका मैं आपको फाइनली सोल्यूशन बता दूँ, तो आपको करना क्या है कि जो भी आप किसी की वीडियो अपलोड किए हैं उसको पूरी तरह से डिलीट करना होगा। आपको अपने वीडियो से वॉच टाइम फिर से 4000 घंटे कंप्लीट करने होंगे। 1 महीने के अंदर आप कर सकते हैं या ज़्यादा ज़्यादा भी समय आपको मिल सकता है। आप ज़्यादा ज़्यादा समय में जो है कंप्लीट कर भी रीअप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कम से कम 1 महीने का समय आपको यूट्यूब देता है कि 1 महीने के अंदर अगर आप कर लेते हैं तो आपको रीअप्लाई का ऑप्शन मिलेगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, जो भी आप किसी और का वीडियो अपने चैनल पर डालते हैं उसको पूरी तरह से डिलीट करना पड़ेगा, और आपका वॉच टाइम वीडियो को डिलीट करते ही घट जाएगा। लेकिन कुछ दिन आपको दिखाई देता है तो आप सोचते हैं कि वॉच टाइम तो है लेकिन वहां से घट गया रहता है। तो आपको अपनी वीडियो से वॉच टाइम फिर से कंप्लीट करना होता है, उसके बाद जो है जैसे ही आप रीअप्लाई करेंगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी और का अगर आप वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं तो आपका चैनल रिक्स में है, खतरे में है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और अगर आपका किसी और का वीडियो डाल रहे हैं, रीयूज्ड कंटेंट आ गया है
और उसके बाद फिर से आप अपना वीडियोज डालकर सोच रहे हैं मोनेटाइज हो जाएगा, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि आपके चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो रहेंगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि उसी वीडियो से आपके वॉच टाइम सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं। तो आपको दोस्तों ऐसे में खुद का कंटेंट डालना है। अगर आप किसी और की वीडियो यूज भी कर रहे हैं तो उसमें कमेंट्री कीजिए, वॉइस ओवर कीजिए, एडिटिंग कीजिए, मिक्सिंग कीजिए, इतना सब कुछ करने के बाद ही आप किसी और के कंटेंट को मोनेटाइज करा पाएंगे और छोटा छोटा कंटेंट यूज करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा। आयु की दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम पहले किसी और का वीडियो डालते थे लेकिन अब अपना डाल रहे हैं तो चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपको अपने ही वीडियो से वॉच टाइम कंप्लीट करने होंगे और जो पहले किसी दूसरे की वीडियो है उसको डिलीट करने होंगे। अगर आपकी वीडियो से जो है वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय।